गांव रत्ताखेड़ा में यह जल संरक्षण पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। जल संरक्षण अधिकारी, गांव के सरपंच और बाकी पंचायत के सदस्यों की मौजूदगी में। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। हमारे ब्लॉक रिपोर्टर साथी रमनदीप ने यह पूरा का पूरा वीडियो भेजा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल संरक्षण अधिकारी इसके सेमिनार में पूरी उपयोगिता को लोगों को समझा रहे हैं। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। मिशन के उद्देश्य को एक सरकार ने सपना बनाया है, भी सन 2022 तक भी प्रत्येक घर में जल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है और स्वच्छ जल। तो उसके तहत हमारा भी एक गांव के नाते, नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो पानी से संबंधित कितनी भी समस्याएं हैं तो उस शुद्ध जल का सही प्रयोग करें आने वाले जो समय में, ताकि पानी का सही सदुपयोग हो सके और उसको सही अमल में लाया जा सके। तो उसके तहत ये आज हमारा जल जीवन मिशन के उद्देश्य को लेकर हम सभी आगे चल रहे हैं। देखो जी, इसमें एक व्यक्ति कोई भी किसी कार्य को नहीं कर सकता, उसके लिए अगर गाँव वालों का सहयोग होता है तो उस कार्य को हम कितना भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जल ही जीवन है, जल मिशन है, उसके तहत हमने पानी को सही उसका सदुपयोग करना है। जैसे टूटियाँ कई बार गांव में चलती रहती हैं तो उसको भी थोड़ा सा पानी जितना है उसको रखा और उसको बंद कर दिया। कितना हमें चाहिए सेव दी वाटर, जितना हमें चाहिए, हो सकता है हम स्टोव भी एक आधे दिन टूटी नहीं दूसरे दिन रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी उसको खाली खालियों में छोड़ दिया, ऐसे को रख दिया, तो उससे भी थोड़ा सा जल को बचाएँ। और दूसरा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में देखो, दूसरे उसकी बात करें जैसे राजस्थान है या महाराष्ट्र है, तो वहाँ वो दूर दूर 10-10 किलोमीटर जाके घड़ों से पानी लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में ये हमारे सामने ना आए, तो उस विषय को देखते हुए जल ही जीवन है, जल मिशन के तहत हम संबोधन में भी ये कह रहे हैं कि आप जितना भी हो सके जल को बचाइए, बूंद बूंद को। तो हम भी उदाहरण देते हैं, एक बार मैं भी राजस्थान गया ना बीकानेर के पास, तो हम वो सीधा पानी पीने लगे ना, ऐसे वो बोले ऐसे पानी ना पियो जी, पानी पियो ऐसे बोले, बूंद भी ना नीचे गिर जाए। उनको पानी का पता है, पानी बहुत मान लगे आने वाले समय पानी की कितनी कीमत है, कितना हमने स्टॉक रखना है। तो चीज़ को देखते हुए मेरा यही गांव वासियों के यहाँ उदाहरण पर संबोधन है, जल को बचाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छी तरह अपने हाथ धो लो, धोने के बाद इसके ढक्कन को खोल लो और यहाँ निशान दिया हुआ है 20 ml तक, अब इसी चीज को भरने के तुरंत बाद इसके ढक्कन को बंद करो और इसको अच्छी तरह हिलाओ। हिलाने के बाद इसको कमरे के अंदर रख दो। इसी चीज कमरे के अंदर रखने का कारण ये है कि ये 25 से 35 डिग्री के बीच में रिजल्ट बताएगी। सर्दियों में 25 से टेम्परेचर कम रहता है और गर्मियों में ज़्यादा, लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो इस सीसी के अनुकूल रहेगा 25 और 35 डिग्री के बीच में। और इसके रखने के बाद 12 से 24 घंटे के बीच में, अगर आज रखा है तो शाम को या सुबह हम देखेंगे इसको, इसमें भरा हुआ जो पानी है उसका रंग काला हो जाए तो पानी में बैक्टीरिया है, कीटाणु है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। अगर इसका भरा हुआ पानी का रंग हल्का पीला या थोड़ा भूरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हल्का पीला भूरा ये अपना कलर छोड़ेगा, ये जो केमिकल है ये इसका कलर रहेगा। पानी अगर काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो पानी में बैक्टीरिया है। अगर ब्लैक हो जाए बैक्टीरिया, तो हमारा पहला कदम क्या रहेगा कि एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम जिस भी सोर्स का, जैसे यहाँ आपके रत्ताखेड़ा में वाटर बक्स है, घरों में किसी के नलकूप भी है, हैंडपम्प भी है, किसी का पानी चेक कर रहे हैं, तो कभी भी बैक्टीरिया सीधे ज़मीन से नहीं आते, ज़मीन से पानी शुद्ध आता है। लेकिन बैक्टीरिया कहाँ पर पैदा होते हैं, पाइपलाइन है कहीं ना, लीकेज है पाइपलाइन में, कहीं ना कहीं मिक्सिंग है, उस कारण वो बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाए। अगर पानी काला हो जाए तो सबसे पहले हम अपना कनेक्शन देखेंगे, जो घर में कनेक्शन लगा हुआ है भाई कहीं वो लीकेज तो नहीं है। उसके बाद जो गली में मेन पाइपलाइन है उसको चेक करेंगे भाई कहीं उसमें लीकेज नहीं है, कहीं ना कहीं लीकेज मिलेगी, उसको लीकेज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे कहाँ है और उसको ठीक करवाएंगे। और जब दोबारा इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ये वन टाइम यूज है, एक ही समय एक बार प्रयोग हुआ, दोबारा चेक करेंगे तो दूसरी हमें